बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उत्तराखंड मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। 2022 के विधानसभा चुनाव का बहुत कम समय रह चुका है। अब कभी भी आपको बता दें कि इन विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच सकती है, किसी भी समय चुनाव आयोग की तरफ से इन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आपको बताया कि मार्च के अंदर नए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर बन जाएंगे या वर्तमान सरकार आएगी, जो भी होगी। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से चुनाव के परिणाम मार्च के आसपास आ जाएंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से कोई नया नेता आपको बता दें कि शतपथ लेता नजर आ सकता है। उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो अभी से सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारियों में जुटी हुई है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से आपको बता दें कि अपने कार्यकर्ताओं पर बोझ डालने या पार्टी पर बोझ भरने की बजाय अपने प्रत्याशी घोषित कर देती है और उन प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको बड़ी से बड़ी रैलियां करवानी है, आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, आपको ये करवाना है। और उसी के आधार पर आपको बता दें कैडर कैंप है, कार्यकर्ता सम्मेलन है, जाट समाज या अलग अलग समुदाय के जो भी सम्मेलन होते हैं वो भी उसे ही करवाने होते हैं। और ये पार्टी के हिसाब से आपको बता दें कि एक पार्टी का रूटीन है, इसे ना तो पार्टी पर खर्चा आता है ना कार्यकर्ता पर आता है, बल्कि जो चुनाव लड़ता है उसके ऊपर ही जिम्मेदारी रहती है क्योंकि वो विधायक बन रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बार और बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी की तरफ से खबर ये आ रही है कि कल दीपावली के बाद, यानी कि दीपावली के 5-7 बाद जैसे ही ये माहौल खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, यानी कि नवंबर के अंतिम में या नवंबर के आसपास में आपको बता दें कि एक बार सार्वजनिक तौर से जनसभा कर सकती है। खबर ये भी आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बड़े प्रत्याशी के तौर पर इस बार बहुजन समाज पार्टी ज़्यादा रैलियाँ करेगी। हर बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बता दें कि करीब एक तरीके से देखें तो 10 से 12 रैलियां करती है, लेकिन इस बार पार्टी की तरफ से ज्यादा रैलियां बहन जी की करने की रणनीति है वो बनाई है। सतीश चंद्र मिश्रा भी रैली करेंगे, इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता है वो भी आपको बता दें कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की रैली को लाइव स्ट्रीम भी करवाने का इस बार बीएसपी की तरफ से है वो कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने जो कार्यक्रम है उनको लाइव भी कराएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि अभी जब मान्यवर साहब कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम को लाइव किया गया था। उससे पहले जब आपको बता दें कि प्रबुद्ध वर्ग ब्राह्मण सम्मेलन का जो कार्यक्रम था उसको भी लाइव स्ट्रीम करवाया गया था। तो यानी कि अब आपको बता दें कि बीएसपी हाईटेक की तरफ भी बढ़ रही है। तो बीएसपी नवंबर के अंत में आपको बता दें कि रैलियां कर सकती है, शुरुआत कर सकती है। और खबर यह भी है कि आपको बता दें कि लाइव स्ट्रीम भी उन्हें किया जाएगा। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि पल पल के अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।